The junior world champion Deepak Punia’s must have been disappointed after withdrawing from the world championship final due to his injury in Nur-Sultan, Kazakhstan. But, back home in Jhajjar, the Punia’s household and the entire village is celebrating his Olympic quota and his first senior-level medal in world championship. Deepak’s father, a milkman from Jhajjar, spoke to NNIS about why Deepak didn't play the Sunday's final. मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा खुशी है मेरे को भी मेरे गांव को भी और देश को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे हम तो ये कहना चाहेंगे जैसे दीपक बनाया वैसे और छोटे बच्चे भी ऐसे निकल के आगे बढ़ो सारे देश का नाम रोशन हो क्या दीपक से कोई फोन पे बात हुई है हां हुई है क्या कुछ बोले वो पहले बात हुई थी जब तक ये हुआ था मैं बढ़िया लड़का ये बेटा उसने बोला मेडल के हिसाब से क्वालीफाई करूंगा निराश हैं दीपक फिलहाल जो फाइनल में नहीं खेल पाएंगे तो चोट लगी तो तो कुछ भी लगा लो चोट तो चोट है चोट वो तो नहीं से नहीं तो उसको तो ये तो कि वो खेलूं है पर चोट की वजह से नहीं खेल पाया मीनवाइल कृष्णा पुनिया स्पोक टू हर सन पोस्ट हिज सिल्वर मेडल एंड टॉक्ड अबाउट हिज आई इंजरी नुगा थमा ठीक से उसकी आंख पर चोट लग रही थी राजी खुशी Deepak had withdrawn from the finals of the world championship against Iranian Hajan Yazdani due to an ankle and eye injury sustained during the semi-finals.